सो आज था बाल धोने का दिन एंड एवरी थर्ड डे आई लाइक टू वॉश माई हेयर. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स कि कितने जल्दी मेरे बाल गंदे और ऑयली हो गए हैं. सो अभी मैं अपने बालों को डिटैंगल कर रही हूँ यूजिंग अ वाइट टूथ को. उसके बाद आई एम गोना वेट ऑल ऑफ माई हेयर अंडर द शार. आज तो मैं शार यूज़ कर रही हूँ बट यूजअली मैं मग और बाल्टी लेके ही नहाना पसंद करती हूँ. अपने पूरे बालों को गीला करने के बाद आई एम गोना यूज हर्बल एसेंस एलो एंड यूकेलिप्टस शैम्पू. ये शैम्पू काफी ज्यादा अच्छा है स्पेशली फॉर द पीपल हु हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्कैल्प. ओके, और इससे बाल धोने के बाद ना बालों में ठंडक भी मिलती है और काफी अच्छे से ये स्कैल्प को क्लीन कर देता है. एक बात अच्छी लगती है मुझे इस शैम्पू के बारे में कि ये सल्फेट फ्री और पैराबिन फ्री होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से लैदर करता है एंड लिटिल गोज अ लॉन्ग वे फॉर दिस वन. सो पूरे बालों को स्कैल्प को अच्छे से मसाज करने के बाद जो भी शैम्पू का रेसिड्यू रह गया है ना उसको मैं अपने लेंथ पे लेके जाऊंगी और फिर लेंथ को वॉश करूंगी मैं. वैसे तो मैंने शैम्पू आज डायरेक्टली अप्लाई किया है, कभी कभार मैं मग्गी में थोड़ा सा पानी लेके शैम्पू को डायल्यूट करके भी अप्लाई करना पसंद करती हूँ. शैम्पू को अपने बालों से रिंस करने के बाद मैं कंडीशनर अपने लेंथ पे अप्लाई करूंगी एंड दिस इज हर्बल एसेंस कंडीशनर अगेन. कंडीशनर और शैम्पू एक साथ आया था और ये काफी अच्छा कंडीशनर भी है. थोड़ा सा ही यूज करूंगी मैं कंडीशनर एंड आई बी ओनली अप्लाइंग दिस ऑन दी लेंथ ऑफ माई हेयर जैसे आप लोग देख सकते हो. अब जब भी आप कंडीशनर अप्लाई करते हो ना ऑलवेज अप्लाई दैट ऑन योर डैम्प हेयर. सो मैंने वीडियो में दिखाया नहीं बट आई सोक्ड अप ऑल द एक्सेस वाटर फ्रॉम द लेंथ ऑफ माई हेयर एंड देन आई अप्लाइड द कंडीशनर. और मैं अपने बालों को रैप कर रही हूँ एंड आई एम गोना यूज माई क्लचर टू क्लच माई हेयर क्योंकि कंडीशनर कैन ऑल्सो कॉज बैक एक्ने. सो कभी भी कंडीशनर को ऐसे लगा के छोड़ना नहीं है पीछे बालों. एंड 2 मिनट्स लेटर आई एम गोना स्टार्ट रिंसिंग ऑफ द कंडीशनर. सो थोरली अपने बालों को रिंस ऑफ करना है फ्रॉम द हेड टिल द टिप ऑफ योर हेयर. जो भी एक्सेस कंडीशनर आपको लग रहा है कि आपके बालों में है जस्ट रिंस इट ऑफ प्रॉपरली. यू नो कभी कभार हम लोग छोड़ देते हैं एक्सेस कंडीशनर, लगता है कि सिल्की कर देगा वो बाल, लेट जस्ट लीव इट ऑन. बट नो, यू हैव टू थोरली वॉश योर हेयर. ओके, आफ्टर थरली रिंसिंग माई हेयर मैं यूज करने वाली हूँ दिस माइक्रो फाइबर हेड रैप. अगर आपने मेरा 10 ब्यूटी टूल्स मस्ट हैव पार्ट 2 वाला वीडियो देखा होगा ना तो आपको पता होगा कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है ये. 10 से 15 मिनट में ही काफी अच्छे से एक्सेस वाटर को सोख लेता है. नॉट अ वॉश एंड स्क्रब माई बॉडी, मैं यूज करूंगी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2. दिस इज ममार्थ का टी ट्री बॉडी वॉश, उसके साथ ऑर्गेनिक लूफा. सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक लूफा को गीला किया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. एंड देन आई बी टेकिंग सम शार जेल एंड आई विल स्टार्ट लैदरिंग दैट शार जेल इन दैट ऑर्गेनिक लूफा. उसके बाद आई विल स्टार्ट मसाजिंग दैट ऑर्गेनिक लूफा इन टू माई बॉडी ताकि अच्छे से डेड स्किन सेल्स को ये मेल्ट अवे कर दे और सॉफ्टन कर दे मेरे स्किन को बेसिकली. सो एवरी थर्ड डे आई लाइक टू स्क्रब माई बॉडी एंड द डे आई बी यूजिंग रेजर नाउ. उस दिन ऑल्सो आई विल स्क्रब माई बॉडी. नाउ इफ आई एम नॉट स्क्रबिंग माई बॉडी दैट डे आई विल नॉट यूज ऑर्गेनिक लूफा, आई विल जस्ट जनरली यूज सम शार जेल एज अ सोप टू वॉश ऑल ऑफ माई बॉडी. और समटाइम्स टू स्क्रब माई बॉडी आई ऑल्सो लाइक टू यूज दोज बॉडी स्क्रब्स लाइक देर इज वन बाय एम कैफी, काफी अच्छा प्रोडक्ट है बट कभी कभार मैसी कर देता है ये बाथरूम. अब स्क्रब करने के बाद आई बी वॉशिंग माई बॉडी विद सम रेगुलर वाटर. उसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू शेविंग माई बॉडी. आई बी ओनली शेविंग माई हैंड्स एंड माई अंडर आर्म्स. सो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ सबसे पहले इवियोर्स बाय लेट्स शेव, उनका विप्ड शेव क्रीम. काफी अच्छा क्रीम है ये. सो शेव करने के बाद मैंने अच्छे से इस विप्ड क्रीम को अप्लाई किया अपने हाथों में एंड देन यूजिंग दिस रेजर बाय लेट्स शेव अगेन. आई रियली लाइक दिस रेजर, इट्स वेरी फ्लेक्सीबल. एंड देन आई विल स्टार्ट शेविंग माई हैंड्स. सो आई लाइक टू गो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ. और जब मैं शेव करती हूँ मैं एक मग्गे में हमेशा पानी रखती हूँ ताकि मैं अपने रेजर को क्लींस करती जाऊँ थरली एंड देन आई कैन यूज़ दैट रेजर अगेन. अपने हाथों को और अंडरआर्म्स को शेव करने के बाद आई रिंस माई बॉडी अगेन एंड नाउ आई एम गोना अप्लाई फेस वॉश. मेरे पास 3 से 4 डिफरेंट फेस वॉशेज है जो करेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ, कुछ मैं ट्राई भी कर रही हूँ और ये तीनों तो टेस्टेड और ट्राइड प्रोडक्ट्स हैं जो मैं मेंशन कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पे. दिस इज डर्मा वाइब्स हाइड्रा क्लेंजर दैट आई एम यूजिंग, इट्स सो जेंटल ऑन द फेस यू ऑल. सो फेस को क्लेंस करने के बाद आई बी वॉशिंग माई फेस विद सम नॉर्मल वाटर एंड आई बी पैड ड्राइंग माई फेस यूजिंग माई फेस टॉल. सो आई ऑलवेज सेपरेट माई फेस टॉल, माई बॉडी एंड माई हेड टॉल. उसके बाद फेस टॉल का रफ साइड लेते हुए आई बी स्क्रबिंग माई लिप्स. दिस इज अ ट्रिक दैट आई हैव शोन मल्टीपल टाइम्स ऑन माई चैनल. मैंने अभी नहाया है, उसके बाद फेस भी धोया है तो लिप्स मेरे मॉइस्ट हैं, अच्छे से डेड स्किन सेल्स निकल आते हैं. ओके, क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है स्किन हमारी वहाँ पे. नाउ आई हैव नॉट शोन एनी स्किन केयर इन टुडेज़ वीडियो, आई वॉन्टेड टू कीप इट फॉर बॉडी एंड हेयर ओनली क्योंकि स्किन केयर मेरा बहुत वास्ट है. वैसे भी मैं अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स में आपको स्किन केयर दिखाती रहती हूँ. सो आप लोग देख सकते हैं मैंने हेड रैप भी निकाल लिया क्योंकि कुछ 10 से 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके थे. अब मैं अपने
बालों को कम्प्लीटली एयर ड्राई करने वाली हूँ। सो दीज आर माई टॉप 3 बॉडी लोशन दैट आई एम यूजिंग करेंटली। आई कीप ऑन चेंजिंग माई बॉडी लोशन बेसिकली, जो भी अच्छे से नरिशमेंट देता है मैं वही अप्लाई करना पसंद करती हूँ, एंड दीज आर लाइक ट्राइड एंड टेस्टेड वंस। सो मैंने आज यूज किया है निविया वाला, यू ऑल कैन सी दैट, वो निकल नहीं रहा था क्योंकि वो खत्म हो चुका है। सो द इंडियन इन मी वॉज लाइक कि नहीं अच्छे से निकालो, थोड़ा बहुत बचा होगा सब निकाल के हम अप्लाई करेंगे अच्छे से, तो दैट इज वॉट आई डिड। आप जब भी बॉडी लोशन अप्लाई करते हो ना अपनी स्किन पे, अप्लाइड ऑन डैम स्किन काफी अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है और मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करती है। एंड आई नेवर एवर फॉरगेट माई एल्बो एरिया क्योंकि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और मैंने अपने पैरों में बॉडी लोशन अप्लाई किया था ऑफ कैमरा, एंड विद द मैजिक ऑफ एडिटिंग दिस इज वॉट माई हेयर लुक्स लाइक आफ्टर ऑल एयर ड्राइड। ओके, सो नाउ आई विल बी अप्लाइंग सीरम ऑन द लेंथ ऑफ माई हेयर। मेरे बालों का जो लेंथ है ना वो बहुत ही डैमेज और डल है, थोड़ा सा रफ सा है, फ्रिजी सा है। सो उनमें जान डालने के लिए, थोड़ा सा शाइन डालने के लिए आई लाइक टू यूज दिस लिव ऑन सीरम। इसके अलावा भी देयर इज अनदर सीरम, लॉरियल डैमेज रिपेयर सीरम दैट आई यूज टू यूज, बट दिस इज वॉट आई हैव करेंटली। सो अच्छे से पाम में लाइक 2-3 ड्रॉप लेके मसाज करने के बाद सिर्फ लेंस पे हल्के हल्के हाथों से अप्लाई किया है मैंने। ओके, नेवर गो ओवर बोर्ड विद दिस सीरम। ओके, द लास्ट स्टेप दैट आई डिड इज अप्लाइंग एंटी पर्सपिरेंट रोल ऑन अंडर माई आर्म्स बिकॉज आई एम अ वेरी स्वेटी पर्सन एंड आई नीड दिस रोल ऑन टू कंट्रोल स्वेट, एंड दैट वॉज द एंटायर शावर रूटीन ऑफ माइंड। मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में आपको आज का शावर रूटीन कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद ब्रांड न्यू कॉन्टेंट फॉर दिस चैनल। बाय बाय यू ऑल, टेक केयर।